महाराष्ट्र सियासी संकट को लेकर घमासान जारी है। सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर के आगे महाविकास अघाड़ी सरकार घुटने टेकती नजर आ रही है। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत का दावा है कि उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे, लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र से लेकर असम तक गुवाहाटी का होटल रेडिसन ब्लू इन दिनों खूब चर्चा में है। ये वही होटल है जहां शिवसेना के सभी बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक विधायक के रुकने और रहने का एक दिन का कितना खर्च आ रहा है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर जो बागी विधायक गुवाहाटी के होटल में ठहरे हैं उनका एक दिन का कितना खर्च आ रहा है। रेडिसन ब्लू के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस होटल के कुछ 70 रूम 7 दिनों के लिए बुक किए गए हैं। ये बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट रेट पर हुई है और बुकिंग के लिए कुल 56 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा खाने पीने और बाकी सर्विसों पर रोजाना 8 लाख रुपए का खर्च हो रहा है, और रोजाना के खर्चों के 7 दिन के मुताबिक देखेंगे तो इस हिसाब से ये भी 56 लाख रुपए बैठता है। इस तरह बुकिंग और खाने पीने का खर्च तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख रुपए बैठता है। बागी विधायकों को गुवाहाटी के जिस लग्जरी होटल में रखा गया है उसके बाहर सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है। इससे रेडिसन ब्लू होटल एक किले में तब्दील हो गया। इस होटल में आम लोगों की एंट्री पर तकरीबन अब रोक लगा दी गई है। गुवाहाटी पुलिस कर्मियों के साथ साथ असम पुलिस की रिजर्व बटालियन और कमांडो के दर्जनों जवान होटल की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।